वेलकम अगेन, माय नेम इज़ सुनील कौशिक और आप सीख रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल सॉल्यूशन बज के साथ। ट्यूटोरियल नंबर 14 में हम सीख रहे हैं कीबोर्ड को फुल डिटेल के अंदर कि कीबोर्ड कैसे और क्या काम करता है। फुल डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी की है और कहां पर है वो। सबसे पहले हम कीबोर्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस विच हेल्प टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर। The layout of the keyboard is like that of traditional typewriter, although there are some additional key provided for performing additional function. Keyboard है जो typewriter की तरह है और एक traditional जो जो परंपरागत जो typewriter होते हैं उनकी तरह है हमारा जो कीबोर्ड है उसके अंदर। लेकिन जो कीबोर्ड है उसके अंदर जो स्पेशल की दे रखी है कुछ एडिशनल वर्किंग के लिए, और कीबोर्ड हमारा सबसे मेजर इनपुट डिवाइसेस है। इसके बिना हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। डाटा को एंटर करने के लिए आपको कीबोर्ड तो चाहिए ही चाहिए। उसके आगे देखते हैं, ये हमारे सामने कीबोर्ड की पिक्चर है, ये आप देख सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की ये पिक्चर है, लेकिन ये हमारा कीबोर्ड है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये लैपटॉप का कीबोर्ड है। लेकिन हम कीबोर्ड की पिक्चर, कीबोर्ड आर ऑफ टू साइज 84 कीज और 101 एंड 102 कीज। कीबोर्ड हमारे पास टू साइज़ के आते हैं जिसमें 84 कीज होती हैं और 101 एंड 102 कीज होती हैं। बट नाउ कीबोर्ड विद 104 कीज एंड 108 कीज आर अवेलेबल फॉर विंडोज एंड इंटरनेट। क्या है कि अभी कई साइज़ के कीबोर्ड आते हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड अगर किसी के पास है और वो की को काउंट करने लग जाए तो आपकी 125 की से ऊपर चली जाएंगी। आप उस चीज़ को मत देखो, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड है कि हमारा जो कीबोर्ड होते थे पुराने वो 102 की इसके होते थे और अब जो कीबोर्ड हैं स्टैंडर्ड 104 कीज के हैं जिसके एक दो की ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे मल्टीमीडिया अगर किसी का कीबोर्ड है तो उसके अंदर ज़्यादा की होंगी, वो जैसे सॉन्ग्स को भी वहीं से कीबोर्ड से प्रीवियस स्टॉप प्ले ये फॉरवर्ड कर सकता है और कई सारे फंक्शन ऐड हो जाते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर। उसके आगे देखते हैं, द की ऑन द कीबोर्ड आर एज फॉलो। सबसे पहले आती है टाइपिंग की, नंबर फर्स्ट पे है टाइपिंग की। दीज की इंक्लूड द लेटर कीज ए टू जेड एंड डिजिट की, इनको बोलते हैं हम डिजिट की या लेटर की, जो ए टू जेड होती हैं और 0 to 9 होती हैं। विच जनरली गिव द सेम लेआउट एज दैट ऑफ टाइपराइटर, ये बिल्कुल एज इट इज़ हमारे कीबोर्ड पर है जैसे कि टाइपराइटर पर होती थी। सेकंड नंबर पर आता है न्यूमेरिक कीपैड, ये जो हमारा कीबोर्ड के साइड में एक अलग से पैनल होता है न्यूमेरिक कीपैड का, उसकी बात हो रखी है यहाँ पर। इट इज़ यूज टू एंटर द न्यूमेरिक डाटा और कर्सर मोमेंट। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 17 कीज दैट आर लेड आउट इन द सेम कॉन्फिग्रेशन यूज बाई मोस्ट एडिंग मशीन एंड कैलकुलेटर। ये यहाँ पर कहता कि उसके अंदर 17 की हैं, 17 की हैं जो साइड में एक अलग से पोर्शन है। उसकी तरह लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करनी हो कर्सर की उसके लिए यूज करते हैं, या हम कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, फास्ट कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए उस पार्ट को यूज करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे फंक्शन कीज, F2 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती हैं। और ये डेफिनेशन क्या है इसकी देख लेते हैं। द 12 फंक्शन की आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, क्या है कि 12 फंक्शन की हैं कीबोर्ड के, विच आर अरेंज्ड इन ए रो, जो एक ऊपर की रो में अरेंज हैं एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर हैं। ईच फंक्शन की हैज ए यूनिक मीनिंग एंड is used for some specific purpose. फोर्थ नंबर पे हमारा आता है कंट्रोल कीज, तो ये कीज क्या काम करती हैं हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ते हैं। दीज कीज प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल, ये कर्सर को और स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए काम आती हैं। इट इंक्लोज फोर डायरेक्शनल एरो की, इसके अंदर फोर एरो की होती हैं कंट्रोल्स की। कंट्रोल्स कीज आल्सो इंक्लूड
होम एंड इंसर्ट डिलीट पेज अप पेज डाउन कंट्रोल CTR बोलते हैं जिसको अल्टरनेट एल्ट की बोलते हैं एस्केप एस्केप की बोलते हैं। तो इस तरह की आप देखोगे और मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो ऑन स्क्रीन में आके बनाऊंगा, जैसे कि कीबोर्ड की हर कीज है जो वन बाय वन आपको डिस्क्राइब कर सकूं कि ये कहां पर काम आती है और ये क्या फंक्शन करती है। आगे लेके आएंगे उस वीडियो को हम, जब तक आप देखिए। और जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इसी टाइप से लिखना होता है जैसे हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर है स्पेशल पर्पज़ की, जो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। कीबोर्ड आल्सो कंटेन सम स्पेशल पर्पज़ कीज सच एज एंटर शिफ्ट कैप्स लॉक नम लॉक स्पेस बार टैब एंड प्रिंट स्क्रीन। अगर मैं या आपको बताऊं कि कैप्स लॉक कैपिटल लेटर करने के लिए होती है, और जैसे कि टैब 8 करेक्टर का स्पेस देने के लिए होती है, और प्रिंट स्क्रीन हमारी यूज होती है। अगर आपको कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लेना तो आप प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करो, और जहाँ पेस्ट करना है वो कंट्रोल वी कर दो, पेस्ट कर दो। इसकी कोई परेशानी नहीं है, इसको हम फुल डिटेल में एक ऑन स्क्रीन आके मैं आपको कीबोर्ड हाथ में लेकर तब वन बाय वन की बताऊँगा। आप एग्ज़ाम के लिए इस टाइप से लिख सकते हो। ये यहाँ तक हमारा कीबोर्ड का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन था, जो 5 पार्ट में था वो पूरा हो चुका है। इसके आगे हम 15-12 के अंदर माउस के बारे में सीखेंगे कि माउस हमारा कैसे क्या काम करता है और इसकी वर्किंग कैसी है और कितने टाइप के माउस होते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए सोल्यूशन बज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।